असलकुम बच्चों uh, आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है uh, मैं आपके साथ ने मौजूद हूँ और हमारा जो आज का टॉपिक है वो फ्रैक्शन के हवाले से है टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन की टाइप्स कितनी हैं तो बच्चों फ्रैक्शन की जो हैं टू टाइप्स हैं वन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और जो सेकेंड टाइप है दैट इज़ इम प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है पहली फ्रैक्शन की टाइप है प्रॉपर फ्रिक्शन एंड सेकेंड जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो so, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर फ्रिक्शन जो है वो क्या है लाइक uh, like हमारे पास टू सर्कल्स हैं बच्चों फर्स्ट करते हैं हमारे पास टू सर्कल्स हैं उनमें से जो पहला सर्कल है हमारे पास वो फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है अब इसके जो फोर पार्ट्स हैं उनमें से हम टू पार्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं ठीक है टू पार्ट्स को हम हाईलाइट कर देते हैं और फिर हम देखते हैं हम इसको किस तरह लिखेंगे जी हम इसको किस तरह से लिखेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं वो हम देखेंगे टोटल कितने हैं इसके वन टू थ्री फोर जी इसके टोटल पार्ट्स हैं फोर सो so फोर क्या है फोर जो है वो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में यस yes. अब कितने पार्ट्स जो हैं वो इसके हाईलाइटेड हैं कितने पार्ट्स हमने यूज़ किए हैं जी बच्चों वो कितने पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर टोटल हैं तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि हमने टू पार्ट्स इसके हाईलाइट किए हैं यूज़ किए हैं तो हम इसको लिखेंगे टू ओवर फोर इस फ्रैक्शन को इस होल को हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया उसके बाद हमने इसके जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं उनको हमने टू पार्ट्स को हाईलाइट कर दिया और अब हमने इनको लिखा है टू ओवर फोर ठीक है इसी तरह से हम एक और फ्रैक्शन भी देखते हैं और फिर हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन पे जी इस ये जो सर्कल है होल है इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं काउंट करते हैं बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जी टोटल इसके पार्ट्स हैं एट तो फर्ज करें सपोज़ करें कि हम इसके थ्री जो पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं जी वन वाले पार्ट को हाईलाइट करेंगे पार्ट को हाईलाइट करते हैं और जो पार्ट नंबर थर्ड है उसको हमने हाईलाइट कर दिया अब हम इसको किस तरह लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे जी थ्री जो है जितने पार्ट्स हाईलाइटेड हैं वो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और जो टोटल पार्ट्स हैं इसके वो हैं एट यस। टोटल पार्ट्स हैं इसके एट और हमने हाईलाइट जो किए हैं वो थ्री हाईलाइट किए हैं तो हमने उसको न्यूमरेटर में लिख दिया थ्री ओवर एट जो टोटल हमारे पास है इस सर्कल के पार्ट है अब अगर आप गौर से इन दोनों फ्रैक्शंस को देखें टू ओवर फोर या थ्री ओवर एट जी गौर कर रहे हैं अब इसमें जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है दोनों फ्रैक्शन को देखें ये भी डिनोमिनेटर है और ये हमारा है न्यूमरेटर अब जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है सो so, बच्चों, ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर को हम लिखते हैं डिनोमिनेटर है और फिर क्या है हमारे पास न्यूमरेटर अब ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज कर सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो छोटा है तो ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन जिसको हम कह रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन सो so, आपने याद रखना है ऐसी फ्रैक्शन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी तरफ से देखें ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दी है अब हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ जो कि है इम प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी सेकेंड टाइप है इसमें भी फर्स्ट करें हमारे पास टू सर्कल्स हैं यहाँ पे हमने उनको फोर में डिवाइड किया है ठीक है वन टू थ्री फोर जी अब बच्चों ऐसा करते हैं कि इसके फोर पार्ट्स को हाईलाइट कर देते हैं लाइक दिस टोटल पार्ट्स हमने फोर और उसके बाद हमने इसके जो सारे पार्ट्स हैं उनको हाईलाइटेड कर देना है और फिर देखेंगे कि हम इनको किस तरह से लिखते हैं जी अब हम इसको कैसे लिखेंगे अगर हमने फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है तो हम लिखेंगे फोर ओवर फोर और उसके बाद दूसरी जो फ्रैक्शन है उसके भी कितने पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर लेकिन इस फ्रैक्शन में हम सारे हाईलाइट नहीं करेंगे सिर्फ थ्री पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं वन पार्ट टू एंड थ्री अब हम इनको लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे डिनोमिनेटर जो है वो फोर ही रहेगा न्यूमरेटर जो है वो कितना आ जाएगा थ्री ठीक है अब हम इसको जो है इम प्रॉपर फ्रिक्शन में अब हम देखेंगे कि इसको फोर और थ्री न्यूमरेटर जो हैं इसको हमने प्लस करके ऐड कर लेना है लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो हम लिखेंगे सेवन ओवर फोर क्योंकि दोनों जो सर्कल्स थे हमारे पास वो फोर पार्ट्स में डिवाइडेड हैं तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है हम इनको ऐड नहीं करेंगे ये आपने याद रखना है हम इनको एज इट इज़ लिखेंगे सेवन ओवर फोर क्योंकि हमारे पास जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं वो सेवन हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर uh, जो है वो छोटा है न्यूमिनेटर बड़ा है ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम फ्रैक्शन जी इसमें हम देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है उसको देखेंगे जी डिनोमिनेटर क्या है इसमें छोटा है तो इसकी तरफ ये साइन आएगा यस yes, न्यूमिरेटर जो हैं वो ग्रेटर हैं सो जो हमारे पास सिंबल हैं वो आएगा ग्रेटर देन का न्यूमरेटर की तरफ जाएगा और लेस देन का आ जाएगा डिनोमिनेटर की तरफ तो दोनों में डिफरेंस आप देख लें इन प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमिरेटर छोटा है अब जो हमारे पास इम प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें डिनोमिनेटर जो है बच्चों वो छोटा है और जो न्यूमिरेटर है बड़ा है सो so, याद रखना है आपने ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमिरेटर बड़ा हो दीज आर कॉल्ड इम प्रॉपर फ्रैक्शनस और ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमिरेटर छोटा है इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस ये थी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनस और आई एम श्योर मुझे यकीन है कि आपको दोनों फ्रैक्शंस अच्छे से समझ आ गई हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में है और आपने उनको अपनी नोटबुक्स में अपनी कॉपीज में सॉल्व कर लेना है आज के लिए इतना ही था अल्लाह हाफज